हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज अबाउट द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स। इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है वो स्टडी की थी और हमने के डब्ल्यू को जो है वो डिफाइन किया था। यहाँ पर हम कांस्टेंट्स डिफाइन करेंगे एसिड्स के और बेसिस के। तो पहला हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स। अब क्या होता है इसके अंदर, आपको पता है कि कोई भी एसिड जब भी वाटर के अंदर जाता है इट डोनेट्स प्रोटॉन। वो क्या करता है, आपके पास एच पॉजिटिव जो होता है वो रिलीज कर देता है उस सिस्टम के अंदर। अब आयनाइजेशन कांस्टेंट जो होगा, जो हम भी डिफाइन करने जा रहे हैं किसी भी एसिड का, वो बताएगा क्या, वो बताएगा कि कोई भी एसिड जब वाटर के अंदर जाता है तो उसकी जो डिसोसिएशन होती है, डिसोसिएशन का मतलब है कि अगर मेरे पास एक एसिड एच और ए जनरलाइज फॉर्म है कि प्रोटॉन और इसके साथ कोई भी नेगेटिव आयन मौजूद है, ये कोई भी एसिड जब वाटर के अंदर जाएगा तो ये स्प्लिट हो जाएगा एच पॉजिटिव के अंदर और ए नेगेटिव के अंदर। अब डिसोसिएशन जो है उस एसिड की, वो हमें कैसे पता चलेगी, हमें ये कैसे पता चलेगा कि अगर मैंने एक सिस्टम के अंदर 50 ग्राम एसिड डाला है तो इसमें से कितने ग्राम जो उनसे हैं वो डिसोसिएट हुए हैं अपने आयन के अंदर। ये डिसोसिएशन ऑफ एनी एसिड मुझे कैसे पता चलेगी, वो इस आयनाइजेशन कांस्टेंट से पता लगेगी जिसको हम आज के टॉपिक में स्टडी करने जा रहे हैं। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट हमें बेसिकली बताता क्या है, वो बताता ये है कि आपके पास जो आपका एसिड है वो कितना डिसोसिएट हुआ है, कितनी डिसोसिएशन हुई है उसके अंदर, कि क्या वो कंप्लीट है या वो पार्शियल डिसोसिएट हुआ है या फिर वो इनकम्प्लीट है। इन केस ऑफ वीक एसिड्स, वीक एसिड्स में क्या होता है, उनके अंदर डिसोसिएशन बहुत कम होती है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनके अंदर डिसोसिएशन नियर टू कम्प्लीट होती है। ज़्यादा से ज़्यादा उनसे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं अपने इन दो आयंस के अंदर। तो दिस इज़ द आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड्स जो कि हमारा आज का टॉपिक है। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक एसिड है एच ए, ये जो है वाटर के अंदर आपने इसको ऐड किया, ये रिवर्सिबली इसके साथ रिएक्ट करके अपना पॉजिटिव आयन इसको डोनेट करेगा, ये हो जाएगा H3O पॉजिटिव और साथ में आपके पास A नेगेटिव जो है वो बन जाएगा। अब इस इक्वेशन की अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन लिखूं Kc, तो दैट बिकम्स इक्वल टू दी concentration of the products divided by the concentration of the reactants। इस सारे चैप्टर में हम ये केसी की इक्वेशन को बारहा लिखते रहे हैं। अब प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन में दो चीज़ें हैं, H3O आयन की कंसनट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय द कंसनट्रेशन ऑफ A नेगेटिव। सेकेंड जो चीज़ है हमारे पास वो है रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स हमारे पास दो हैं, नंबर वन इज़ दी एसिड उसकी कंसनट्रेशन और सेकेंड इज़ दी वाटर। तो ये हमारे पास केसी की जो है वो इक्वेशन आ गई एट इक्विलिब्रियम। ये इक्वेशन कब वर्कआउट करेगी, जब आपका सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम के ऊपर। अब When your system is at equilibrium, the concentration of H2O, जो आपके पास water है कि concentration होती है at equilibrium, is almost same to that of the concentration of water जो कि हमने initial stage के ऊपर ली थी जब reaction start किया था। तो water की concentration पे इतना ज़्यादा जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एसिड डाला और एसिड डिसोसिएट हो गया, तो वाटर की कंसंट्रेशन करीब करीब जो है वो इक्विलिब्रियम पे वही रहती है जो कि इनिशियल कंडीशंस पे थी। तो हम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। हम कहते हैं जी कि आपके पास जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि वाटर इज टेकन इनटू द एक्सेस, एक लार्ज क्वांटिटी में चीज़ मौजूद है, वो एक्सेस क्वांटिटी में मौजूद है, तो हम उसको
उसकी कंसंट्रेशन को जो है वो कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं. तो कांस्टेंट होगा, तो ये इसकी इक्वेशन थी जी, के सी इज इक्वल टू एच थ्री ओ पॉजिटिव इंटू ए नेगेटिव डिवाइडेड बाय एच ए एसिड की कंसंट्रेशन इंटू दी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. अब वाटर की कंसंट्रेशन चूंकि हमने कह दिया है कि कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट वैल्यू को उठा के मैं इधर ले जाऊंगा क्योंकि के सी भी मेरे पास कांस्टेंट है. तो के सी इज मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एच टू ओ और इन दोनों की जो प्रोडक्ट कहलाएगी वो हमारा होगा के डब्ल्यू, बल्कि एसिड्स है तो ये हमारे पास हो जाएगा के ए. इसको हम स्मॉल ए से डोनेट करेंगे. दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, या जिसको हम आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स कहते हैं. ये हमारा जो है आज की हमने डिफाइन किया अपने पैरामीटर को, जो कि क्या है के ए आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स. तो यहाँ से जो के ए की वैल्यू निकलेगी वो होगी, दिस होल टर्म इज नाउ के ए, तो के ए इज इक्वल टू एच थ्री ओ पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन एंड डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड. तो इस फॉर्मूले की मदद से हम आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एनी एसिड कैलकुलेट कर लेंगे. इस इक्वेशन का मतलब है कि अब हमें कोई भी तीन चीज़ों, इनमें बेसिकली चार चीज़ें हैं हमारे पास, के ए कंसंट्रेशन ऑफ एच थ्री ओ पॉजिटिव जिसको हम एच पॉजिटिव भी कह सकते हैं, नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन वो उसके इक्वल ही होगी, और आपके पास एसिड की कंसंट्रेशन इनिशियल. तो ये सारी चीज़ें, इन चारों में से कोई सी तीन चीज़ें हमें मौजूद हों तो हम उससे के ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एच ए भी निकाल सकते हैं. तो ये हमारे पास जो है होता है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स. एसिड्स का जो है हमारे पास आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है के ए. अब के ए की वैल्यू जो होती है, जो के ए का आंसर होता है, वो हमें बताता है दैट डिटरमिन्स कि आपके पास जो एसिड है वो वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है. इसकी जो वैल्यू होगी वो हमें बताएगी के ए की वैल्यू, कि आपके पास कोई भी एसिड कितना वीक है या कितना स्ट्रॉन्ग है. हम कहते हैं जी एच सी एल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है. इसका मतलब है कि एच सी एल का के ए जो है वो ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिसोसिएट होता है, जबकि एसिटिक एसिड का के ए जो है वो क्या है, वो लेस है. तो अब हम देख लेते हैं कि के ए से हमें एसिड के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो इफ़ के ए इज़ लेस देन 10^-3, अगर आपका जो है के ए 10^-3 से कम हो तो आपका एसिड जो है वो होता है जी वीक. अगर आपका के ए वो बराबर हो 1 से लेके इस लिमिट तक 10^-3 से लेके 1 के दरमियान हो, तो हम कहते हैं कि हमारा जो एसिड है दैट इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग. मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि मुनासिब मकदार में वो स्ट्रॉन्ग है, ना बहुत ज़्यादा वीक है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. और अगर आपके पास के ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए तो फिर आपका जो है एसिड, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग है, उसकी डिसोसिएट होने की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है. आपकी बुक में टेबल के अंदर जो है डिफरेंट एसिड्स के अगेंस्ट उनकी के ए की वैल्यू जो है वो गिवन है, जिससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि आपके पास जो एसिड हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं या मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग हैं या फिर वो वीक हैं. तो दिस इज़ हाउ आपके पास के ए से हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है. एक दूसरी जो चीज़ आपकी इसी टॉपिक में हमने कवर करनी है दैट इज़ परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन. हम कहते हैं जी, एक छोटा सा इसी से मिलता जुलता टॉपिक है, परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन
ऑफ एसिड्स, कोई भी एसिड है हमारे पास वो कितने परसेंट जो है वो आयनाइज होगा वो हमें बताएगी ये परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन। सिंपल सा फॉर्मूला, किसी भी चीज़ की परसेंटेज आपने निकालनी हो तो परसेंटेज आयनाइजेशन का वही एक फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसिड्स जो कि हो गया आयनाइज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ एसिड जो कि आपने शुरू में दी थी। परसेंटेज आप ऐसे ही निकालते हैं ना कि ऑब्टेन्ड मार्क्स जो उनसे होते हैं, अगर आपके 100 में से 70 आए हैं तो 70 आपके ऑब्टेन्ड हैं और टोटल थे 100। इसी तरह अमाउंट वो एसिड की जो आयनाइज हुई वो हम ऊपर रखेंगे एंड अमाउंट ऑफ एसिड इनिशियली यूज्ड इनिशियली टेकन वो क्या आएगी, वो नीचे आ गई, क्योंकि शुरू में हमने इतना एसिड लिया था और इसमें से इतना जो है वो आयनाइज हो गया है और इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एनी एसिड आ जाएगी कि कोई भी जो एसिड है वो हमारे पास क्या है, कितने परसेंट जो है वो आयनाइज हुआ है। इसी के साथ, इसी की डेफिनेशन के साथ आप अपनी बुक में देखेंगे एक टेबल आपके पास गिवन है और वो हमें ये बताता है कि आपके पास इसका ट्रेंड क्या है, परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन का ट्रेंड। ट्रेंड कुछ इसका इस तरह से है कि जितना आपके पास सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट द सॉल्यूशन, जितनी डाइल्यूशन जो है सॉल्यूशन की ज्यादा होगी उतना क्या होगा, ग्रेटर आर द चांसेस ऑफ डिसोसिएशन। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 ml वाटर है, यहाँ पर भी मेरे पास 100 ml जो है वो वाटर है, इसके अंदर अगर मैंने कोई चीज़ मिक्स की है 50 ग्राम और इसके अंदर वही चीज़ मैंने जो है वो 20 ग्राम मिक्स की है तो 50 ग्राम वाला सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा और 20 ग्राम वाला डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि सेम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है। इसी तरह ये वाला सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तो वो कहता है जी जितना भी आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा उतने ज़्यादा डिसोसिएट होने के चांसेस जो होते हैं वो कम होंगे, और इसकी आगे आपके पास एग्जांपल भी दे रहा है आपके पास एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड की एग्जांपल वो देता है कि जब आपके पास उसकी मोलैरिटी 0.1 मोल है, मोलैरिटी का मतलब क्या है ये पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, 9th चैप्टर में आएगा। मोलैरिटी होती है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्वड इन 1 लीटर, तो जब मेरे पास 0.1 मोल सॉल्यूशन होगा CH3COOH का एसिटिक एसिड का तो मेरे पास परसेंटेज आयनाइजेशन होगी 1.33%, और जब मेरे पास जो है इसकी मोलैरिटी जो है वो कम हो जाएगी। मोलैरिटी कम होने का क्या मतलब है, अब 0.05 मोल्स पे जब ये चला गया तो इसका मतलब है कि नीचे ऊपर से नीचे क्या हो रही है, डाइल्यूशन हो रही है, चीज़ डाइल्यूट हो रही है। जाहिर सी बात है कि एक इसके अंदर मेरे पास 0.1 मोल था और अब इसी के अंदर मेरे पास 0.05 मोल है, तो ये ज़्यादा डाइल्यूट है इसके निस्बत, ये कंसंट्रेटेड है, तो यहाँ पे डाइल्यूशन बढ़ गई, डाइल्यूट ज़्यादा हुआ, मोलैरिटी कम हुई, तो ट्रेंड ये है कि जैसे जैसे डाइल्यूट होता जाएगा परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती जाएगी, तो ये हो जाएगी 1.89%, और जब ये मजीद हाफ हो जाएगी 0.01 पे जाएगी तो फिर आपके पास 4.17% जो है वो आयनाइजेशन हो जाएगी। तो ये कौन ट्रेंड जो है ये भी आपसे एक दो क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन में या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ द आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड्स और परसेंटेज आयनाइजेशन। अब हम इसी से रिलेटेड जो है एक एग्जांपल आपकी बुक की करेंगे जो कि एग्जांपल नंबर 4 है, और वो एग्जांपल हमें हेल्प करेगी इस कॉन्सेप्ट को मजीद जो है वो समझने में। वो कहते हैं जी व्हाट इज़ द परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। परसेंटेज आयनाइजेशन आपने निकालनी है ऑफ एसिटिक एसिड इन विच, जिसके अंदर क्या है 0.1 मोल्स उसकी मोलैरिटी आपको गिवन है, मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.1 मोल्स ऑफ पर डेसीमीटर क्यूब आपने डिसॉल्व किए हुए हैं, तो आप हमें बताएं कि परसेंटेज आयनाइजेशन जो है वो
कितनी होगी। तो अब हम जो है इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये अगर मेरे पास CH3COOH है, इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूं डिसोसिएशन की, तो मेरे पास CH3COOH जो है ये टूटेगा और ये बनाएगा CH3COOH प्लस H जो है पॉजिटिव, और इसका जो Ka होता है वो एक्सपेरिमेंटली जो आप डिटरमिन करते हैं दैट इज 1.85 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5। अब ये Ka की वैल्यू हमने पढ़ी थी कि जब Ka की वैल्यू लेस देन 10 पावर माइनस 3 होता है तो एसिड आपका वीक होता है, और हमें पता है कि एसिटिक एसिड इज़ अ वीक एसिड। तो यहाँ से हम ये भी इन निकाल लेते हैं बात कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी इस पर वेरीफाई हो रहा है। एनीवे ये हमारे पास इक्वेशन है एंड दिस इज के ए जो कि उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट है। अब इनिशियल कंसंट्रेशन ये थी 0.1 मोल्स आपने लिए इसके और शुरू किया जब आपके पास टाइम क्या था, टाइम वाज इक्वल टू टी वाज इक्वल टू जीरो। तो टाइम जीरो था, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, इसके कितने मोल्स मौजूद थे 0.1 मोल्स, और इन दोनों के कितने मोल्स मौजूद थे, इसका भी जीरो और इसका भी जीरो, क्योंकि शुरू में तो ये नहीं बने, शुरू में तो आपने ये डाला और रिएक्शन अब स्टार्ट होगा। अब रिएक्शन जैसे जैसे कंसंट्रेशन इसकी चेंज होगी, ये एक्स मोल इसके बनेंगे, एक्स मोल इसके बनेंगे, और ये कितने बनेंगे 0.1 माइनस एक्स। अब यहां तक आपके पास जो कॉन्सेप्ट है आपका वो सारा का सारा क्लियर है। इसको मैं यहाँ पे दोबारा थोड़ा सा CH3COOH डिसोसिएट होगा CH3COO माइनस प्लस H पॉजिटिव, जब T इज इक्वल टू जीरो था, इनिशियल कंसंट्रेशन थी, ये दोनों जीरो थे और इसकी 0.1 मोल हमारे पास मौजूद थे। फिर आपके पास रिएक्शन स्टार्ट हुआ, इसमें से ये कम होना शुरू हो गए और ये जो है ये बनना शुरू हो गए। अब एट इक्विलिब्रियम जो है 0.1 माइनस एक्स जो है दैट इज नियरली इक्वल टू 0.1। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि के ए की वैल्यू जो है वो 1.85 इंटू 10 पावर माइनस 5 है, इसका मतलब है कि ये एक्स की क्वांटिटीज जो बनेंगी ये बहुत ही ज़्यादा कम होंगी। अब बहुत ही कम का मतलब है कि अगर 0.1 में से मैं बहुत ही कम वैल्यू को माइनस कर दूं, क्योंकि एक्स जो है वो बहुत ही कम वैल्यू है, तो ये ओवरऑल वैल्यू 0.1 ही रहेगी, ये जीरो तो नहीं होगी लेकिन जीरो के करीब करीब होगी, बहुत छोटी वैल्यू होगी, जिसकी वजह से ये 0.1 पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो वो कहता है जी 0.1 माइनस एक्स इज नियरली इक्वल टू 0.1। अब इस रिएक्शन की मैं जो है के ए इक्वेशन लिखता हूँ। के ए का जो फॉर्मूला था या जो के ए हमने पढ़ा था वो क्या था, के ए वॉज के सी एच थ्री सी डबल ओ एच एसिड प्रोडक्ट्स की सॉरी होती है, ये सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस प्लस एच पॉजिटिव, दिस इज नॉट प्लस एच पॉजिटिव, ये हो गए आपके पास प्रोडक्ट्स और ये डिवाइड होगा कंसंट्रेशन ऑफ सी एच थ्री सी डबल ओ एच के साथ। अब सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस की क्वांटिटी है एक्स, सिमिलरली एच पॉजिटिव की भी है एक्स, इसकी क्या है, इसकी थी 0.1 माइनस एक्स, लेकिन एक्स बहुत छोटा है तो हमने इसको यहाँ पे ये चीज कर दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 0.1। तो हमारे पास अब जो इक्वेशन आई वो है के ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 0.1, और हमें पता है कि के ए होता है हमारे पास 1.85 इंटू 10 रेज टू पावर 5। इस वैल्यू को उठा के मैं इधर पुट करूंगा, 1.85 इंटू 10 पावर माइनस 5 इंटू 0.1 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी इनको मल्टीप्लाई करने के बाद और अंडर रूट लेने के बाद वो होगी 1.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मोल्स। ये एक्स बेसिकली क्या है, दिस एक्स इज दी कंसंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड एसिड, ये बेसिकली एक्स वो है जो कि आयनाइज हुआ है, तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जो कि क्या था, आयनाइज्ड हुआ था। अब हमारे पास जो चीज मांगी गई है वो है परसेंटेज आयनाइजेशन, जिसका फॉर्मूला होता है कि एसिड आयनाइज्ड कितना हुआ
divided by acid initially taken वो कितना था, और इसको मैं जब मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 के साथ, तो एसिड आयनाइज कितना हुआ, ये वो एक्स की वैल्यू है जो हमने अभी निकाली, वो थी 1.3 × 10⁻³। और इनिशियली एसिड हमने लिया था 0.1 मोल्स, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 के साथ, तो हमारा इस फॉर्मूले के तहत आंसर निकल आएगा ऑफ परसेंटेज आयनाइजेशन का, और वो कितना निकलता है 1.3%। तो ये हमारे पास, हमने इस इक्वेशन से बेसिकली दोनों कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लिए, के ए का कॉन्सेप्ट जिसे हमने एक्स की वैल्यू निकाली, और परसेंटेज आयनाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो कि हमने स्टडी किया था, और उस फॉर्मूले में हमने इस एग्जांपल में दोनों की एप्लीकेशंस को देखा और उनको अप्लाई करने का तरीका जो है वो देखा। तो ये हमारा टॉपिक था अबाउट दी आयनाइजेशन कॉन्सटेंट ऑफ एसिड्स। नेक्स्ट टाइम हम जो चीज़ स्टडी करेंगे दैट वुड बी दी आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ बेसिस, के जब हम बेस को पानी के अंदर ऐड करेंगे तो उसकी डिसोसिएशन कैसे होगी। तो ये हमारा टॉपिक था अबाउट द आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड्स।